हेलो दोस्तों, व्हाट इज फोर्स? फोर्स क्या है, बल क्या है? अच्छा, फील तो हम करते रहते हैं बल। कभी मम्मी का थप्पड़ पड़ गया तब समझ में आ जाता है कि फोर्स क्या है, कितना तेज थप्पड़ पड़ा। ठीक है, कभी जा रहे हो कहीं पे, टकरा गए किसी दीवार से या फिर चोट लग गई, वहां पे भी आपको पता चलता है कि फोर्स क्या होता है। ठीक है, लेकिन अगर हमें किसी को समझाना है कि फोर्स क्या होता है, किसी चीज से रिलेट करना है और किसी छोटे को समझाना है या फिर कहीं पे यूज करना है, किसी क्वेश्चन में यूज करना है, तब उसके लिए फोर्स क्या होता है इसको थ्योरेटिकली बहुत ही जरूरी है समझना कि क्या होता है फोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि फोर्स किसे कहते हैं। फोर्स पुश और पुल। अब इतना छोटा टॉपिक होता है फोर्स, बिल्कुल। ठीक है, जैसे कि अगर मुझे ये बोतल उठाना है, ठीक है, अब बोतल को मैंने उठाया, ठीक है, या फिर बोतल को मुझे अपनी तरफ उठाने के लिए मैंने क्या किया, इसको अपनी तरफ खींचा। ठीक है, और अगर मुझे इसको दूर फेंकना है तो मैं क्या करूंगी, इसको धक्का दूंगी। ठीक है, या फिर ये दीवार अगर खिसक जाती होती तो मैं क्या करती, इसको पुश करती, और पुश करके इसको क्या करती, और दूर तक खिसका देती। या फिर मुझे आगे खींचना होता तो मैं बल लगा के इसको खींच लेती आगे। आप गेट खोलते हो या गेट बंद करते हो, है ना, कोई एक गेट है, कोई गेट क्या, आप रूम में हो, गेट बंद करना है, क्या करोगे, धक्का दोगे उसको, पुश करोगे। ठीक है, और अगर गेट खोलना है तो क्या करोगे, पुल करोगे, खींचोगे। ठीक है, तो वहां पे क्या लगता है, हमारे हाथ को फील होता है ना कि फोर्स लग रहा है वहां पे। ठीक है, आप बंद कर रहे हो या फिर गेट खोल रहे हो तो अपने आप ही फील होता है कि हाँ फोर्स लग रहा है। ठीक है, या फिर आपने क्या किया, यहाँ पे धक्का दिया। ठीक है, अब धक्का दे रहे हैं तो मेरे हाथ पे क्या कर रहा है, मेरे हाथ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, फोर्स लग रहा है। ठीक है, और इसके साथ में अब ये कहेगा कि डेफिनेशन क्या होती है, या फिर आप बोलोगे परिभाषा, डेफिनेशन क्या होता है, तो क्या कहते हैं कि किसी भी बॉडी, ठीक है, अगर किसी भी बॉडी पे पुश कर रहे हैं हम या फिर पुल कर रहे हैं, ठीक है, ये दोनों प्रोसीजर कोई भी हो, इसमें से कुछ भी हो रहा है तो क्या कहलाएगा, वो फोर्स कहलाएगा। ठीक है, इसके साथ में दूसरा क्वेश्चन आता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, द डायरेक्शन इन विच अ बॉडी पुश्ड और पुल। डायरेक्शन वो जिसमें जो बॉडी है उसको पुश कर रहे हैं, ठीक है, या फिर पुल कर रहे हैं। ठीक है, उस बॉडी का जो डायरेक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। समझ में आया आपको? ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्वेश्चन में जब आप कोई क्वेश्चन आगे करोगे तो वहां पे अगर आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स पता है कि कहाँ पे कैसे यूज करना है तो आप कई क्वेश्चन कर जाते हो। जैसे आप बड़े बड़े क्वेश्चन इसमें क्लास में जाते हो ना धीरे धीरे, तो हर एक चीज मॉडिफाई होती रहती है, ऐसे ये भी मॉडिफाई होता है। ठीक है, इसके साथ में कुछ और एग्जाम्पल है जो कि डेली यूज में आते रहते हैं, जैसे कि पुशिंग हो गया, पुलिंग हो गया, ये तो बार बार मैं बात कर रही हूँ इसकी। ठीक है, लिफ्टिंग हो गया, जैसे इसकी बात कर रही थी ना, ये बोतल उठा भी रहे हैं इसको ना, उठा रहे हैं, खींचना तो हो गया कि इस तरह से मैं खींच रही हूँ इसको, है ना, लेकिन इसके साथ में मैं इसको उठा रही हूँ, है ना, तो लिफ्टिंग हो गया। ठीक है, स्ट्रेचिंग हो गया, स्ट्रेच करना, जैसे कि स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग, स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हो, है ना, या फिर उसको खींच रहे हो। ठीक है, तो वो भी क्या कहलाएगा, वो भी क्या कहलाता है, फोर्स का ही एग्जाम्पल कहलाएगा। ठीक है, ट्विस्टिंग, किसी चीज को ट्विस्ट कर रहे हो, जैसे कि कपड़े वगैरह धुलते हो उसको ट्विस्ट करते हो, है ना, ट्विस्ट करते हो तो क्या होता है, पानी सारा बाहर निकल जाता है और वो फिर उसके बाद आप झटक के डालते हो। ठीक है, वो सारे हर जगह पे क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, प्रेसिंग, दबा रहे हो कोई चीज, कंप्रेस कर रहे हो, है ना, दबा रहे हो उसको, प्रेस कर रहे हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया था, प्रेस भी किया था इसके साथ में, है ना, अब यहाँ पे प्रेस करने का तो कोई मतलब नहीं है फिर, लेकिन कहीं कोई चीज है, कपड़े वगैरह है कुछ, उसको प्रेस करने पर क्या हो जाता है, वो दब जाता है। ठीक है, तो वहां पे फोर्स अपने आप बहुत अच्छे से समझ में आता है कि हाँ यहाँ पे फोर्स लग रहा है। अब दीवार पे प्रेस करोगे तो कहाँ पता लगेगा, वहां तो हमारे हाथ पे सारा जोर पता चलता है कि हाँ मैंने बल लगा रखा है। ठीक है, तो ये सारे हैं जो कि डेली लाइफ में, हमारे डेली लाइफ में यूज में आते रहते हैं कि फोर्स क्या होते हैं, इनके जो डेली लाइफ के एग्जाम्पल हैं ये क्या है। समझ में आए? अब इसको समझते हैं कुछ चीजों से जो कि हम अक्सर यूज करते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि फुटबॉल है, फुटबॉल को क्या करेंगे, हम किक मारेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, वहां पे फुटबॉल पे फोर्स लगा रहे हैं, और फोर्स के कारण वो बॉल क्या हो रही है, आगे जा रही है। ठीक है, पतंग उड़ा रहे हो आप, पतंग उड़ाने में भी बल लगता है, ऐसा तो नहीं बल नहीं लगता, वहां पे भी बल लगता है, फोर्स वहां पे भी अप्लाई होता है। ठीक है, कपड़े वाला एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, कोई रबर बैंड है उसको कितना खींच रहे हो, ठीक है, या फिर उसको छोड़ दोगे तो फिर क्या हो जाएगा, अपने स्टेज पे आ जाएगा वो। ठीक है, वहां पे भी क्या यूज होता है, वहां पे भी फोर्स यूज में आता है। ठीक है,
तो फ्रेंड्स, फोर्स को मैंने एक छोटे से वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करी है। कुछ उदाहरण से मैंने आप इसको रिलेट भी कर दिया है, कुछ एग्जांपल से मैंने इसको समझा दिया अच्छे से, ठीक है। अगर इसमें कुछ और भी चीज़ें आपको सीखनी है या फिर नहीं समझ में आ रहा है कि ये एग्जांपल है फोर्स का या नहीं है या फिर इसमें क्या हो रहा है, तो आप कमेंट में पूछना, मैं उसको ज़रूर आपको बताऊँगी, ठीक है। और इसके साथ में ही नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स एंड बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इसके साथ में ही नेक्स्ट वीडियो का वेट करोगे, सेकेंड डे नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। धन्यवाद।